तालिबानी अतवादियों ने औरतों और बच्चों समेत अफगानिस्तान में 100 तो वध लोगों को बंदी बनाया है। अफगानी अधिकारियों मुताबक तालिबानी अतवादियों ने देश के उत्तरी इलाके में हमले दौरान सारे लोगों को बंदी बनाया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के साबका मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह को आमदन तो वध जायदाद नाल जुड़े मामले में जमानत दे दी है। इंडोनेशिया के लामबोक टापू के भूचाल के कई झटके महसूस किए गए। इन्हों एक झटके की रैक्टर स्केल से तीव्रता 6.9 सी। इन झटकों कारण 5 लोगों की मौत हो गई है। एशियन खेडा 2018 में भारत के निशानेबाज दीपक कुमार ने मर्दा के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में सिल्वर मैडल हासिल किया है। जेएनयू के विद्यार्थी उमर खालिद उपर हमला करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है। साबका प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी के देहांत से भारतीय जनता पार्टी वालों आज शामी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शाम 4 बजे तो 6 बजे तक सर्वदलीय प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के संसद मैंबर अपनी 1 महीने की तनखा केरल के हड़ पीड़ितों को दान करेंगे। भारत की बैडमिंटन खिडारन पीवी सिंधु ने जापान के यामागुची 21-18, 21-19 हरा के दूसरे दिन की शुरुआत की है। झारखंड के गिरीड विखे एक महिला और उसके 3 बच्चों की लाशा मिलने नाल दहशत फैल गई। संबंधी पुलिस अधिकारी का कहना है कि पुलिस वालों इसकी जांच की जा रही है। देश के साबका प्रधानमंत्री स्वर्गवासी राजीव गांधी के जन्मदिन मौके सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, मनमोहन सिंह और गुलाम नबी आजाद तो इलावा होर कांग्रेसी आगुओं ने स्वर्गवासी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी।